मध्य प्रदेश में सीएम के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसकी जद में रेत का काला कारोबार करने वाले भी आ रहे हैं। मालथौन में भी लगातार रेत माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके तहत तहसीलदार सतीश वर्मा और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। ये अवैध परिवहन करते हुए यहाँ से शशांक नगर से एक ट्रैक्टर जब्त किया है महिंद्रा, अवैध परिवहन करते हुए बनारवाटी के थाने में सुपरदीदी को दिया गया है। अभी केस बना के प्रधान श्रीमान कलेक्टर महोदय की हो जाएगा, जो भी जुर्माना होगा यदि कार्रवाई की कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा।